लेटेस्ट अपडेट्स और ताजा तरीन खबरों के लिए टीवी वन इंडिया लाइव को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन को दबाना मत। थाने बेलापुर रोड तुर्बे हाईवे के पास लंबे समय से एक उड़ान पुल बनाने की मांग चल रही है। स्थानीय नगर सेवक और वरिष्ठ शिवसेना नेता सुरेश कुलकर्णी कई वर्षों से महानगर पालिका से इसकी मांग कर रहे हैं, लेकिन अभी तक यह उड़ान पुल बन नहीं सका है। आज वो स्वयं इस मुद्दे को लेकर मनपा आयुक्त अभिजीत बांगर से मिले। क्या कुछ अभिजीत बांगर जी ने कहा, मनपा की किस तरह की तैयारी है उस उड़ान पुल को बनाने के लिए, अभी इन्हीं से जानने की कोशिश करते हैं। सर, क्या आज बातचीत हुई आयुक्त से आपकी? तो गया अभी 3 साल से ये काम रुका हुआ है उड्डन ब्रिज का, तो उस जगह पे हमारा गया अभी 10 साल से मांग है, वहाँ पर उड्डन ब्रिज होना चाहिए, उस जगह पे स्काई वॉक होना चाहिए। स्काई वॉक हो गया, उस जगह पे टेंडर डाला नहीं, कुछ लोग ने कुछ लोवेस्ट अभाव के वजह से कोई टेंडर डालने, 5 साल उसमें निकल गया। 5 साल के बाद में फिर हमने 3 साल के बाद में हमने बोला कि अगर स्काईवाइक का कोई टेंडर नहीं डाल रहे तो आप उड्डन ब्रिज ले लो, वहाँ पर कोई दिक्कत होएगा, गाड़ी ऊपर से चले जाएगा। हमने उड्डन ब्रिज की मांग किया, जैसे सविता केमिकल के सामने जो बनाया वो तरीके से वहाँ पर उड्डन ब्रिज होना चाहिए। उस जगह पर सभागार में भी चर्चा होगा, 2-3 बार सभागार हमने बंद किया। वो सभागार में हमारे जो गया तत्कालीन आयुक्त कमिश्नर मिसाल साहब थे, उस जगह पे भी हमने, वो जब तक हमको लिखी देता नहीं तब तक हमें सभागार चलने नहीं देगा, वैसे भी उन्होंने हमने उधर मांग किए, तो उस जगह पे सभागार में मेरे को लिख के दिए कि 3 महीने में हम लोग ब्रिज बनाएगा करके। 3 महीने से ब्रिज उन्होंने टेंडर भी लेके आया, टेंडर पास हो गया, कुछ वजह के वजह से वो काम रुक गया। किस लिए काम रुका है, कैसा रुका है, किस लिए रुका है, जो कॉन्ट्रेक्टर था वो महावीर कॉन्ट्रेक्टर, महावीर कंस्ट्रक्शन ये कंपनी, उसको वो ब्लैक लिस्टेड था। उस जगह पे महानगर पालिका वहाँ पर आगे पीछे कुछ हो रहा था, उनको काम करने के लिए दिक्कत था, तो ये काम करते करते उसी में हम लोग बोला कि वो ब्लैक लिस्टेड है, उसको निकाल दो, दूसरी नई कंपनी आएगा, ऐसा कर टेंडर निकालो। तो उसमें कुछ कुछ समझ में नहीं आया, किस लिए होगा, क्या हो गया, वो उन्होंने किया, उसमें राजनीति किया, वो चलो उसको अपने को उसको चर्चा नहीं करना है। उस जगह पर वो बंदा कॉन्ट्रैक्टर कोर्ट में गए, कोर्ट के जाने के वजह से 3 साल से वो काम रखट गया। तो हमने 3 साल से मांग कर रहा है कि उस जगह पे उड्डन ब्रिज होना मांगता है। उस जगह पे बहुत सारे अवगत हो गए, बहुत सारे वहाँ पर जान गए, कुछ लोग को हाथ पे गमाना पड़ रहा है कि इसका वजह से मैं जब से अभी मिसाल साहब थे उस टाइम में भी चर्चा था, आज बांगर साहब आए उनके साथ में भी, महीने में, 1.5 महीने में, 15 दिन में, ये मैं सतत ये पाठ पूरा कर रहा हूँ। उस जगह पे एक ही था कि सर ये बहुत दूर हो गया, 2 साल से हम लोग आपके पीछे पड़े, आज ये हद के बाहर हो गया। उस जगह पे हम लोग को भी शर्म आ रहा है, उस जगह पे सब पब्लिक को बोलते बोलते कि आज कर रहे, कल कर रहे, ये हो रहे, इसके लिए कुछ काम नहीं हो रहा था। आज मैंने लेटर दिया, ये आज लेटर दिया सर को, बोला अगर ये 15 दिन में अगर नहीं होता है तो कल हम भव्य रास्ता रुको आंदोलन करेंगे, मोर्चा निकलेंगे, उस जगह पे रास्ता जब तक हमारा ब्रिज का मांग नहीं होगा तब तक काम नहीं होगा, ऐसा उन्होंने हमको लेटर दिया हमने आज। तो सर एक चीज़ जानना चाहेंगे, आप आज आपने लेटर दिया है, पहले भी महानगर पालिका ने आश्वासन किया था, फिलहाल आपने फाइनल लेटर दिया है कि अगर ये 15 दिनों में इसका प्रोसेस निर्माण का शुरू नहीं होता है तो आप किस तरह की रणनीति अपनाएंगे? तो उस जगह पे हमने आज तक सर को लेटर देते आ रहे हैं कि कुछ वजह से उन्होंने भी बताया मेरे को, ये कोर्ट में मैटर रहने की वजह से हम लोग को थोड़ा दिक्कत हो रहा है कि कोर्ट का मैटर, उन्होंने आज मैं ये लास्ट लेटर दिया, आज लेटर दे के बोला सर 15 दिन में अगर हमको काम नहीं होता है तो कल हम लोग सब रास्ते पे उतरेंगे, उस जगह पे बड़ा आंदोलन होएगा, उस जगह बहुत सारे लोग का जान गए। सर हमको आज शहर हमारे पब्लिक के सामने जाने के लिए, इस जगह पे ये नहीं होएगा आज के बाद में। तो सर ने यही कहा कि आज मैं सर्वप्रथम बोलो तो कमिश्नर का भी मैं आभार मानता हूँ, उन्होंने बोला कि डायरेक्ट सामने सिटी इंजीनियर को फ़ोन किए, सिटी इंजीनियर को फ़ोन करके बताया कि ये 15 दिन में टेंडर निकलना चाहिए, अप्रैल तक ये काम चालू होएगा, ऐसा उन्होंने मेरे को आश्वासन दिया ले। और मैं कमिश्नर साहब का और उनका प्रशासन का मैं आभार मानता हूँ, उन्होंने बहुत अच्छा डिसीजन लिया है। और इसके बाद में वैसे सूरज लैन का भी बात किया हमने, वो भी 3 साल से सर ऐसे काम पड़ा है, सूरज लैन का भी उन्होंने, वो भी उसका भी टेंडर उन्होंने निकालने के लिए बोल दिया। और गुरुवार का दिन आप सवेरे मेरे को आके 11 बजे मिलने के लिए बोला, गुरुवार के दिन उनको मिलना है, उसका काम के बारे में भी चर्चा करके वो भी उसका भी फाइनल करेंगे। अरे ऐसे सब काम ही, ये दोनों काम ये बहुत अर्जेंट है, जरूरी है, और ब्रिज का तो बहुत जरूरी है। मैं उनका सबसे ज़्यादा बोलूँगा तो मैं कमिश्नर का उनका दिल से आभार मानता हूँ। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। एक चीज़ और, आपकी सरकार है, पालक मंत्री लगातार विकास की पहल कर रहे हैं, आपको क्या लग रहा है कारण कि इसमें देरी क्यों हो रही थी, आखिर क्या वजह थी खास, और अब कितनी उम्मीद हो गई है कि 100% तुर्बे स्टोर हाईवे पर उड़ान पुल बने?
तो सर ये तो मैं आदरणीय पालक मंत्री एकनाथ जी शिंदे साहब को भी लेटर दिया है, उन्होंने भी कमिश्नर को बोला कि कमिश्नर ने ज़्यादा से ज़्यादा करके आदरणीय पालक मंत्री साहब ने इसमें ज़्यादा से ज़्यादा ख्याल दिया ले, और उसने उन्होंने ज़्यादा पार्ट पूरा किया, और हमारे खासदार साहब ने भी इसमें ज़्यादा पार्ट पूरा किया, और नाटा साहब ने भी इसमें ज़्यादा से ज़्यादा पार्ट पूरा किया। उसके वजह से ये काम हमको जल्दी से जल्दी आया, और उसके लिए फिर मेरे को आज लेटर देना पड़ा। आदरणीय सबसे ज़्यादा बोलोगे तो पालक मंत्री साहब का, हमारा खासदार साहब का, और नाटा साहब का मैं दिल से आभार मानता हूँ। उन्होंने भी मेरे को, अगर मैं लेटर भी देने के बाद में, उन्होंने डायरेक्ट कमिश्नर साहब को फ़ोन करते थे इसको जल्दी से जल्दी ब्रिज होना चाहिए, उस मांग पे भी मैं आज लेटर दिया, 15 दिन में होना चाहिए। मैं यही लेटर आज आदरणीय हमारा पालक मंत्री साहब को और खासदार साहब को भी और नाटा साहब को भी ये लेटर दे रहा हूँ, और उन्होंने भी ज़्यादा से ज़्यादा अगर पाठ पूरा करके इसको जल्दी जितना होएगा उतना वो प्रयत्न करेंगे। एक आखिरी सवाल भाई, आपको लगता है कि अगर ये उड़ान पुल बन जाता है तो तुर्वे स्टोर में जो हजारों यहाँ पर जो रहवासी हैं उनके आने जाने के लिए बहुत बड़ी सुविधा हो जाएगी और दुर्घटनाओं से भी निजात मिल जाएगी? आज एक साइड में MRDC है, एक साइड में CT है। हमको आने जाने के लिए एक तो रोड क्रॉस करके जाना पड़ता है। आज औद्योगिक क्षेत्र है वहाँ पर MRDC में, बहुत सारे न्यू मुंबई, ठाणा, कल्याण, डोंबिवली, बहुत सारे लोग आते हैं MRDC में, रोड क्रॉस करके उनको औद्योगिक क्षेत्र में जाना चाहिए, उनको काम के लिए जाता है। और शाम के टाइम में भी इतना पैमाने में गर्दी होता है वहाँ पर, इतना ट्रैफिक जाम होता है, उसमें बहुत सारे अपघात भी हो गए। तो उसके लिए इसको जितना जल्दी हो सके, अगर हमारे जो झोपड़पट्टी के लोग है वहाँ का, वहाँ से झोपड़पट्टी से स्कूल को जाना है, कॉलेज को जाना है, मार्केट में जाना है, उनको रोड क्रॉस करना ही पड़ता है। अगर ये जितना जल्दी उतना हो सके, ब्रिज हो गया तो उनको, हमको नीचे से जाने के लिए अच्छा से उसका मुबदला मिलेगा, फ़ायदा होगा उसका, और सबका, कुछ लोग का, बहुत सारे ऐसे अवगत भी उसमें से टल जाएगा। और यही मांग है हमारा, और आदरणीय शिंदे साहब ने इसमें ज़्यादा से ज़्यादा के ख्याल करके इसको काम के लिए, कमिश्नर साहब को भी उन्होंने 6-7 बार फ़ोन किया ले ये काम के लिए, और मैं कल भी लेटर दे रहा हूँ उनको, जितना हो सके उतना ही जल्दी है। आज कमिश्नर भी बोल दिया ले 15 दिन में हमने ये टेंडर निकल के अप्रैल में काम चालू होएगा, उसका हम ज़्यादा से ज़्यादा प्रयत्न करेंगे, बोले। थैंक यू भाई। जैसा कि आपने सुना कि अभी सुरेश कुलकर्णी जी जब कमिश्नर से मिले तो उन्होंने इस बार प्रॉमिस किया है कि इसके लिए किसी आंदोलन की जरूरत नहीं है और 15 दिनों में इसका टेंडर प्रोसेस और दूसरी जो निर्माण की प्रक्रिया है शुरू होगी। उम्मीद हम कर रहे हैं कि महानगर पालिका जल्द से जल्द तुर्बे स्टोर हाईवे में एक उड़ान पुल बनाएगी ताकि लोगों को दुर्घटनाओं से निजात मिल सके। कैमरामैन रविचंद के साथ मैं सुधीर शर्मा, TV1 इंडिया, नवी मुंबई।